नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया नेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं श्रवण तिवारी, भारतीय किसान कामगार मजदूर सभा समर्पित भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक। आज हम आपके सामने ये जो वीडियो, ये डिबेट और ये इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो लेकर आए हैं, वो आज अखिलेश यादव का एक बयान आया है 2022 को लेकर के, और वो बयान सभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लोग ये मान रहे हैं कि चुनाव से पहले ही, 6 महीने पहले ही अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल कर लिया है। अखिलेश यादव का बयान आता है और अखिलेश यादव कहते हैं कि बसपा और कांग्रेस अगर साथ में आ जाए तब हम बीजेपी से लड़ पाएंगे। हालांकि ये जो सवाल है ये तो किसी सपा प्रवक्ता से पूछा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी समर्थित जो पार्टी है, कहीं ना कहीं भारतीय किसान कामगार मजदूर सभा, उसके यहां पर राष्ट्रीय संयोजक से हम इस बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। कुछ देर रुकिएगा, अभी आपको यकीन मानिए 2022 चुनाव का सबसे बड़ा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला है। अनुरोध करूंगा इस इंटरव्यू को हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शुरुआत करेंगे भारतीय किसान कामगार मजदूर सभा के समर्पित भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक श्रवण तिवारी जी से। श्रवण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली न्यूज नेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देशवासियों प्रदेशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। श्रवण तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे और शुरुआत भी यहीं से करेंगे, क्योंकि जनता भी आजकल बड़ा अखिलेश यादव का आए दिन इस समय ऐसे बेतुका बयान से कह सकते हैं जो आता है, जिससे आपको मलाई खा जाएंगे, आपको पूरी की पूरी कहीं ना कहीं, पहले कहते ना कि तो आपके 10 उंगलियां घी में है, तो वो वाकई में हो जाती है। जहां 1 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि शायद भाजपा का पलड़ा थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन साहब ये तो खुद सेल्फ गोल कर लिया अखिलेश यादव ने। आप इस बयान को कैसे देखते हैं जब वो कह रहे हैं कि बसपा कांग्रेस मिलकर अब चुनाव लड़े? अभी आपने देखा होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में और ब्लॉक प्रमुख, जिस तरीके से 75 जिला उत्तर प्रदेश में है और 65 प्लस जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख 80% प्लस हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी का जो दिमाग है बौखला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है 2022 में 350 प्लस होने वाली है, इसीलिए सपा बसपा कांग्रेस और ओबीसी आम आदमी पार्टी सब बौखला गई है पार्टियां। श्रवण तिवारी जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अभी अगर 1 महीने पहले मिलते थे तो शायद 300 प्लस का उससे की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, और वाकई में अखिलेश यादव के इस बयान ने भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोगों में एक जोश भर दिया है। अब आप भी 350 प्लस की सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब ये अखिलेश यादव के बयान से है, या पार्टी का इंटरनली कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि पार्टी अंदर से कुछ इंटरनल सर्वे हुआ है, लग रहा है कि आप लोग अब सीटें बढ़कर आ रही हैं पिछली बार की अपेक्षा, 2017 की अपेक्षा? हम लोग सर्वे जो चीजें होती है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और उत्तर प्रदेश के तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का जो काम है, आज पूरे प्रदेश में घर घर तक विकास चीजें पहुँच रही हैं, जो कि पूरा प्रदेश कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। श्रवण तिवारी जी, आपने एक नाम लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के, यूपी के स्वतंत्र देव सिंह जी का। अब स्वतंत्र देव सिंह कल से एक ऐसे मुद्दे पर हैं जहां एक ओपी राजभर थे, जो ओपी राजभर छोड़ करके चले गए थे ओवैसी के साथ, और ओपी राजभर की कल मुलाकात हुई है 1 घंटे तक स्वतंत्र देव सिंह से। क्या ये जो मायने, जो मुलाकात के चुनाव के टाइम में जो मुलाकात हो रही है, उसके क्या मायने देखे जाए, और ओपी राजभर क्या वापस आ रहे हैं फिर से बीजेपी के गठबंधन में, ये बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि क्या इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? हालांकि ओपी राजभर से पूछा गया, वो इस जवाब से थोड़ा कतराते दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो अलग दल के नेता आना चाहते हैं उन लोगों का स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है उसके हिसाब से काम करना है। भारतीय जनता पार्टी हर किसान,
हर गरीब आदमी तक उसकी जो योजनाएं हैं जनता के बीच में पहुंचती हैं, और इसीलिए पूरा प्रदेश पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, और इसीलिए जो पार्टियां हैं बौखला गई हैं और गठबंधन करना चाहती हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन कर लूंगा लेकिन जो राष्ट्रीय लेवल पार्टी उनके साथ नहीं करूंगा। तो आज मैं जो बयान सुन रहा हूं, चीजें जो आ रही सामने, आज इसलिए आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल भी भारतीय जनता के बीच में थी, जनता चाहती थी, जनता ने 2017 में बनाया भी, और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी का काम पूरे प्रदेश में भाई चुका। श्रवण जी, आपको एक चीज तो कहना चाहूंगा कि भाजपा आप लोग खेला बहुत करते हो। खेला कहने की बात करें कि जो ओपी राजभर कल तक ओएसी के साथ मिलकर के वो फुटबॉल खेल रहे थे, ओएसी के साथ मिलकर के बड़ा दोस्ताना व्यवहार हो गया था, वो ओएसी के साथ छोड़ करके ओपी राजभर आ जाते हैं कहां पर, आपके साथ मिलकर के। और अभी ओपी राजभर का एक बयान आया है, जो बयान समझिए, उन्होंने कहा 5 पॉइंट को लेकर के, 5 पॉइंट अगर बीजेपी मान जाती है तो सत्ता में कुछ भी किसी भी वक्त किसी भी पार्टी के साथ कुछ भी जायज है। तो उनका जो पॉइंट है कि जातिगत एक तो आरक्षण की बात की, जातिगत आरक्षण की, जातिगत वहां पर एक जनसंख्या उसकी की जनसंख्या का उसमें काउंटिंग होगी, महिला सांसद के आरक्षण की बात कही थी, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं। तो आपको लगता है कि आप बीजेपी इन सब पॉइंट पर एग्री हो जाएगी ओपी राजभर को वापस बुलाने के लिए, फिर से मान जाएगी बीजेपी इस सब चीज को लेकर के इन सब पॉइंट पे? भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश और देश में नेता बैठे हैं वो चीज़ों को तय करेंगे, मैं उनकी चीज़ों पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी से जो छोटे छोटे दल हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी जी हो, सब कांप रहे हैं, डर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा कि जनता के बीच में मैं किस मुंह से पहुंचूं वोट मांगने। श्रवण जी, एक आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा है, आपने अभी एक लाइन कही, छोटे छोटे दल, समाजवादी पार्टी 2012 की अगर बात करते हैं, बीजेपी 2012 से पहले यूपी में बीजेपी की कितनी सीटें आती थी, और आज बीजेपी 300 प्लस और आप 350 का वादा कर रहे हैं, लेकिन आज आप सपा को बसपा को जो मुख्यमंत्री बनाए हैं पूर्ण बहुमत के साथ, आप छोटे छोटे दल कर रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस हाई है। और कॉन्फिडेंस हाई क्यों भी हो, भी क्यों ना हो, क्योंकि जब अखिलेश यादव का ऐसा बयान आ जाता है जहां वो खुद जहां एक ऐसी पार्टी जहां खुद वो चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसे में वो क्या करते हैं, वो ऐसे दलों के साथ कहते हैं आकर साथ लड़े, तो जाहिर सी बात है आपके लिए तो बूस्ट अप मिलना ही मिलना है। लेकिन एक कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका भारतीय किसान कामगार मजदूर सभा है जो समर्पित भाजपा समर्पित पार्टी है, राष्ट्रीय संयोजक हैं आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप लोग किसानों के लिए मजदूरों के लिए काफी काम करते रहते हो, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आपके क्या है, कैसे आप लोग काम कर रहे हो, किस तरह लोगों तक पहुंच रहे हो, गरीब लोगों तक? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जनता के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं उत्तराखंड दौरे पे था, वहां से वापस आया हूँ, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री वर्तमान हैदरगढ़ से विधायक श्री बैजनाथ रावत जी का जी के पुत्र हैं श्री ब्रजेश रावत जी, लगातार उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। माननीय हमारे मंत्री जी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, कोई इसमें नेता नहीं कहता है, अपने आप को गर्व से कहता है मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कहता हूँ कार्यकर्ता हूँ। वो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, काम कर रहा है, योजनाओं को जनता तक पहुँचा रहा है। आज भ्रष्टाचार रुक चुका है, शासन प्रशासन में सुनवाई हो रही है लोगों की, और जनता के हित में काम हो रहा है। इसीलिए आज के डेट में जितने पदाधिकारी जितनी पार्टियाँ हैं वो सब थरथरा गई हैं, डर रही हैं, और 22 के चुनाव से पहले ही छोटे छोटे दल जुड़ना चाहते हैं। और लेकिन ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में 350 प्लस होगी। सुमन जी, ये तो आप जो कह रहे हो ये तो जाहिर सी बात है, अगर कोई विपक्ष का नेता हो तो इस पे जवाब देता उसको और सवाल भी आपसे पूछता, और जाहिर सी बात है। लेकिन अब आप अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने शायद वो
जो मैनिफेस्टो था 2017 का, ये मैं एक पार्टी के नाते नहीं, मतलब आपके वजह से नहीं कह रहा हूँ, वाकई में काम किया है। चाहे राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था यूपी का, जो मंदिर के लिए लोग तरस गए, और वाकई में राम मंदिर पर जो निर्णय हुआ है वो कहीं ना कहीं उसके बाद यूपी सरकार ने जिस प्रकार से काम को, क्योंकि कोर्ट ने निर्णय लिया था, यूपी सरकार ने काम बड़ी तेजी से करके दिखाया है, और अयोध्या में कुछ दिनों में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण का कार्य पूर्ण हो जाएगा, और उसके लिए आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं बधाई की पात्र है, और देश की जनता भी और प्रदेश की जनता 2022 में चुनाव में साफ तौर पर अखिलेश यादव के यह बयान की बसपा और कांग्रेस साथ आ जाएं, पहले वो आम आदमी पार्टी के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं, एक बात साफ दर्शाती है कि शायद आपका जो कहना 350 प्लस का, मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूं, लेकिन शायद बीजेपी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। कोई आखिरी कमेंट करना चाहेंगे किसी चीज को लेकर के श्रवण जी? आप, मैं प्रदेश उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ में खड़ी है, और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा जो संगठन का जो भी विस्तार हुआ है, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय जी दिन रात 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, उसका फल स्वरूप मैंने भी जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुए, अध्यक्ष जी का, ब्लॉक प्रमुख का सब देखने को मिला है, उन लोगों को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी 18-18 घंटे जो काम कर रहे हैं, प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे काम हो रहा है, और आज जनता अपने आप को सुरक्षित समझती है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के जनता जो है उसको जनार्दन समझती है, उसके साथ खड़ी है। मैं जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ 2022 की, कि 2022 में 350 प्लस होगी, ये मैं बधाई दे रहा हूँ। समझ जी, 350 प्लस आप कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक कुलबुलाहट सी हो रही थी कि 350 प्लस की आप बात कर रहे हैं, और एक तरफ बॉर्डर पर राकेश टिकैत एक नाम है जो पूरा का पूरा एक तरह से इसमें हाईजैक करने को बैठा पश्चिमी यूपी को ये नाम, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों के मसीहा है, इस तरह की चीजें हैं। तो राकेश टिकैत क्या आपको लगता है पश्चिमी यूपी में उनके चुनाव पर उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राकेश टिकैत जी का कोई असर नहीं पड़ रहा है प्रदेश में, ना देश में, ना किसी स्टेट में। अभी 22 में 5-5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और प्रदेश हैं, पंजाब है और प्रदेश हैं, कोई असर कहीं नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि हित के संगठन हैं, कि हित की पार्टी हैं, कि केवल जनता के साथ में जुड़कर अपना व्यापार फैला रही हैं। ये आप जो कह रहे हैं एक प्रवक्ता के नाते पार्टी के, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं आपसे और ये चीज़ों को लेकर के, कि अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, और वो संजय बालियान जो प्रदेश में सेंटर में मंत्री हैं, उनके छोटे भाई को भारतीय किसान यूनियन ने टिकट दिया था और सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी राकेश टिकैत चुनाव उनके सिर्फ महज 4 वोट मिले और बीजेपी को 30 मिले और वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हार गए। तो आप लोग ने गणित ऐसी सेट कर रखी है कि उस गणित में 1+1 जो आप चाहोगे वही होगा, आप चाहते 1+1 2 होगा तो 2 होगा, आप चाहते 1+1 शून्य हो जाए, 1-1 शून्य हो जाए तो शून्य हो जाएगा, और 1-1 हो जाए वो शून्य हो जाएगा। आपकी गणित है या ईवीएम का खेला है, क्योंकि अब ईवीएम भी निकल के सामने आएगा सबके बीच में। मैं बता दूं, जो जीत मिलती है वो जनता जनार्दन की दिया हुआ आशीर्वाद है, जो वोट है, और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है, आज जनता विश्वास कर रही है। अगर ईवीएम की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में फिर क्यों कुछ ऐसा नहीं हुआ, आप बता सकते हैं? आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता है। केवल जो पूरे देश में जो छोटे छोटे दल जो स्टेट में हैं वो सब बौखला गए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में कभी काम नहीं किए हैं। जब से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पूरा इतिहास बदल दिए हैं। जब से माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आज पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप खुद जानते हैं। सबन जी, आपका ये इंटरव्यू अच्छा रहा, और हमें चाहेंगे
कि श्रवण तिवारी जी जो भारतीय किसान कामगार मजदूर सभा समर्पित भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से चाहूँगा, इंटरव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को और एक फोन तक पहुँचा दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।